हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सईओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एआरडी की। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे एआरडी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे सेप्टेम्बर टू नवम्बर के, आज हम डिस्कस करेंगे जून से लेकर अगस्त मंथ के, और इतना ही मुझे लगता है कि सफिशियंट रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप बजट वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं, और रिसेंटली क्योंकि ये आपका पार्ट एआरडी के अंदर जीए के अंदर है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट अपने आप में कोई टॉपिक है, ये जनरल अवेयरनेस, मतलब जो भी जनरल या रीसेंट चीजें हैं एआरडी के सेंस में या फिर एआरडी के सेक्टर में, वो आपको कवर करनी है। इसमें दोनों चीज आती हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप मोटे तौर पर ये पूछें कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये दोनों मिनिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिलती जुलती इनसे मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर और लाइट के लिए काम करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो ये तीसरी मिनिस्ट्री हो गई। एक और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये अगर चार मिनिस्ट्री को भी आप कवर करते हुए चलते हैं तो आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है कि जो भी हम न्यूज पढ़ रहे हैं ये इन मिनिस्ट्री से निकली हुई न्यूज है, पीआईबी या चाहे आप किसी भी के दूसरे सोर्सेस से पढ़े। अब हम आज डिस्कस करेंगे जून टू अगस्त। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम रिवर्स में पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे हमको पता चला कि सेप्टेम्बर एंड में अक्टूबर में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आए थे, तो उसका उसके आने की वजह से जो पुराने एस्टिमेट थे जो जुलाई और जून में आए थे, अब उनका कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया है, तो हमको लेटेस्ट हमेशा पता होना चाहिए, तो इसलिए रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने का ये फायदा होता है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आपको पता ही है हम किस इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट हर एक पार्ट है, हर एक मार्क्स आपको आपके सक्सेस के लिए काउंट होगा, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम कम्पीट कर रहे हैं दूसरे से तो हमको दूसरे से बेटर कुछ करना है, तो हमें वहां पे करना पड़ता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्वांट्स रीजनिंग हर कोई कर रहा है, जीए भी हर कोई कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा एआरडी और बैंकिंग फोकस होके इसको कंप्लीट करना है। इसके साथ ही साथ इंग्लिश नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज आपको अच्छे से करनी है। तो इसके अलावा हमारा कोर्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, 45 डेज का जो हमारा लाइव क्लास का प्लान था वो भी हमारा ऑलरेडी चल रहा है। आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप डेमो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे अगस्त से, फिर जुलाई में जाएंगे, फिर जून में जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम पहले देखते हैं। तो 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे हमने सेलिब्रेट किया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम इसे कहते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन देखेंगे तो इस साल और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो 7th अगस्त को ही रहता है। हालांकि अब आपके एग्जामिनेशन से काफी दूर इसकी डेट है तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट जस्ट एक रिवीजन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट वीडियो में क्योंकि हमने डिस्कस किया था 26th नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, 16th अक्टूबर को क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आने वाला 23rd दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने 23rd दिसंबर पिछली वाले वीडियो के नीचे सही आंसर किया था, तो आप इन तीनों का आंसर बताइएगा कि ये तीनों डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ओके, देन बायोफ्यूल डे अगस्त 10 को, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली रैंक है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में, ये आप सभी को पता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो एज वेल एज प्रोड्यूसर, हम प्रोड्यूसर भी हैं और हम कंज्यूमर भी हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है, हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास गाय भैंस बहुत हैं, बट उनकी जो यील्ड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी एग्जॉटिक या फिर हाइब्रिड काउ की या कैटल की या बफेलो की होती है। ओके, हमारा जो प्रोडक्शन 2020-21 में जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 209.96 मिलियन टन है, पर कैपिटाबिलिटी ये है। इंडिया की रैंक स्पाइसेस प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा है, ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में हमारी 7th रैंक है, पैडी प्रोडक्शन वीट प्रोडक्शन में हमारी 2nd रैंक है, शुगर प्रोडक्शन में हमारी अभी 1st रैंक हुई है, बट शुगर केन प्रोडक्शन में अभी हमारी 2nd रैंक ही है, ब्राजील की 1st रैंक है, हम एग प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कंडीशन, तो इंडिया की कंडीशन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में काफी अच्छी है। उसका एक बहुत अच्छा रीजन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में या फिर उनके लिंग्विस्टिक पैटर्न में नहीं, बल्कि जो क्लाइमेट है, आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे टेम्परेट है जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में, उसके नीचे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसके नीचे टेम्परेट क्लाइमेट है, हमारे पास हिमालय से लेके कोस्टल रीजन सब कुछ है, इधर राजस्थान में थार मरुस्थल और इधर सारी चीजें
इंडिया में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है इतनी वास्ट डाइवर्सिटी जिसमें हर टाइप का वेजिटेशन हो सकता है और वो भी बम्पर, इसलिए हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा है और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं और बाकी आगे भी प्रोग्रेस जारी है। शुगर केन के लिए FRP, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस होता है, तो ये फिक्स किया गया है। शुगर सीजन अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए, और ये कितना फिक्स किया गया, 305 रुपये प्रति क्विंटल। ओके, 305 रुपये प्रति क्विंटल, और कितना रिकवरी रेट, 10.25, और इसमें प्रीमियम दिया जाएगा, अगर रिकवरी रेट 0.1% इंक्रीज होता तो 3.05 रुपीज पर क्विंटल, मतलब वही 10% के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। खैर, कहने का मतलब ये है, आपको ये बताना चाहिए कि फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइसेस FRP ऑफ शुगर केन, जैसे हम MSP पढ़ते हैं, सो MSP भी इंपॉर्टेंट है खरीफ एंड रबी क्रॉप का। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितनी क्रॉप्स के लिए है, 22 क्रॉप्स के लिए ये दिया जाता है। इसमें किसी का कोई डाउट होगा तो आप फिर पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्शन एस्टीमेट की जैसे मैंने आपको बात बताई थी, अगस्त मंथ में फोर्थ एडवांस एस्टीमेट आया था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का प्रोडक्शन 315.72 मिलियन टन है। ओके, ओवरऑल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 315.72 मिलियन टन है। आपको इस डेटा को याद रखना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट इस साल का 2022-23 का आया है वो भी याद रखिएगा। ये फाइनल और फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है 2021 और 2022 का, मतलब जो पिछला साल बीत गया उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन 315 है। ओके, तो ये दो चीजें आप लोग को याद रखनी है। इस साल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है अभी तक वो 149.9 है, तो ये दोनों डेटा आप याद रखेंगे। यहां पे आपको लगेगा कि सर इतना डिफरेंस कैसे है, यहां पे तो 315 था, यहां इतना कम कैसे हो गया, तो वो रीजन ये है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है और ये सितंबर के एंड में आया था, तो यहां पे केवल इसमें खरीफ क्रॉप का एडिशन है, इसमें रबी क्रॉप्स नहीं है, इसलिए केवल फर्स्ट सीजन की क्रॉप्स हैं, इसलिए ये नियरली हाफ है, और वो क्योंकि पूरे साल का है इसलिए वो डबल है। ओके, देन नेक्स्ट था कि सेकंड एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आप देखेंगे कि बहुत सारी स्कीम को 2 साल पूरे हो गए हैं, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 में लॉन्च की गई थी कोविड के टाइम पे। कुछ चीजें आप कोविड से कोरिलेट कर लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, अभी हम उस स्कीम को भी देखेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये सब सारी जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर में तब लॉन्च हुई थी। इसके कुछ जो एंटीसिपेटेड आउटकम्स हैं कि 5 साल बाद क्या बदलाव हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। PDF आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको जस्ट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में ये GA का पार्ट है। ओके, तो आपको जनरल जो अवेयरनेस से रिलेटेड वो पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल वो ही पूछ सकते हैं कि PMMSY का फुल फॉर्म क्या है। M स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, S स्टैंड फॉर संपदा है कि क्या है, कुछ भी आपको 4-5 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नाबार्ड में आते हैं। इसका 5 साल का टाइम पीरियड है, 2020-21 से लेके 2024-25 तक। ओके, 20,050 करोड़ रुपीज का बजटरी एलोकेशन इसके लिए किया गया 5 साल के लिए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एक जलदूत ऐप लॉन्च की गई। जलदूत ऐप का क्या काम है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट आपको, ऐसे हजारों ऐप लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च की जलदूत ऐप, और इसका काम क्या है, अक्रॉस द कंट्री वाटर लेवल ऑफ सेलेक्टेड वेल्स इन द विलेज, उसको मेजर करना, तो कुछ स्थापित कुओं के बारे में पढ़ना, तो इसके लिए जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया। इसमें हमारा ग्राम रोजगार सहायक को भी यहाँ पे इनेबल किया है, जिससे कि इन सारी चीजों में हेल्प रहेगी। तो जलदूत ऐप का काम बेसिकली ये है कि वाटर लेवल को पता करना। इसके अलावा आप इसको जो हमारी अमृत सरोवर स्कीम है उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अमृत सरोवर जो स्कीम है वो स्कीम है जलाशय का निर्माण करने के लिए, मतलब सरोवर्स को बनाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर या फिर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जबकि ये केवल कुएं में कितना पानी है उसको देखने के लिए है। ओके, देन इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। ये कुछ कुछ डेटा, क्योंकि आप देखेंगे अगस्त में हमारी पार्लियामेंट सेशन में थी, अभी फिर से है, तो पार्लियामेंट जब सेशन में होती है उस टाइम पे काफी सारे अपडेट्स डेटा हमको पता चलते हैं, तो उसके बेसिस पे ये सारे डेटा है। इंपॉर्टेंट ये है, 3 ईयर ऑफ वन नेशन कार्ड स्कीम को हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर समझ के जाइए, क्वेश्चन आ सकता है, GA का क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013, आप सभी को पता होगा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके तहत ये बात की जाती है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, 3A ऑफ द फूड सिक्योरिटी। कोई भी आपको कभी डिफाइन करने के लिए बोले फूड सिक्योरिटी क्या है, 3A में उसको डिफाइन किया जा सकता है कि फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फूड है
अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल भी है, बट वो अफोर्डेबल ही नहीं है, बहुत महंगा है, फिर फायदा क्या है, कैसे भुखमरी दूर होगी। तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, उसी में हम बेसिकली, आपने देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड है, अब ये हो गया है कि एक नेशन में आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। बेसिकली डिजिटाइजेशन का जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, 36 स्टेट ड्यूटीज में 80 करोड़ बेनिफिशरीज नियरली हैं। तो ये एक वन नेशन कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। देन 75 रामसर साइट्स, लास्ट टाइम भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, रामसर साइट्स इज फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। 75 रामसर साइट्स हमारी कंट्री में हो गई हैं। रामसर साइट किस चीज के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, पर हेक्टेयर यील्ड हमारी इंक्रीज हुई है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है, नया आ चुका है, तो इसलिए अभी हम इसको देखेंगे नहीं। अब हम आते हैं सीधे जुलाई पे, जुलाई 2022 में क्या चीजें हुई हैं। दो इंपॉर्टेंट डे थे, हालांकि डे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, हर डे को हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, और जो नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो नाबार्ड का फाउंडेशन डे 12 जुलाई को हम नाबार्ड का फाउंडेशन डे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 43rd फाउंडेशन डे इस बार हमने सेलिब्रेट किया था, 1982 में ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के बाद आरबीआई से अलग विंग बन हटके डिपार्टमेंट बन के नाबार्ड अपने आप में इंस्टीट्यूशन बना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे नाबार्ड को बनाया गया। ओके, नाबार्ड को बनाया गया, इस वजह से नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट अलग पोस्ट आती है, आरबीआई डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट अलग आती है। देन दूसरा है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो फाउंडेशन डे है वो हम मनाते हैं 16 जुलाई को। तो ये दोनों डे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उसके अलावा तो बहुत सारे डे हैं, जनरल अवेयरनेस में नॉर्मल में पूछा जा सकता है, जो जस्ट आप एक बार गो थ्रू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर फूड प्रोडक्शन, तो आप देखेंगे जुलाई के महीने में दूसरा आया था, तो अब हमने लेटेस्ट पढ़ लिया, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा डेटा में है भी नहीं, 342 अभी थर्ड के अकॉर्डिंग है, 341 सेकंड के अकॉर्डिंग था। इससे क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि हाँ ये एक ही नहीं आता है, काफी सारे एडवांस एस्टिमेट आते हैं, और इस बार अगर इतना है तो इससे पहले कितना था, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, इनको फार्म साइंस सेंटर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर में रिसर्च और एक्सटेंशन का बहुत महत्व है, रिसर्च जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन भी है, किसानों तक वो पहुंचे कैसे, किसानों तक जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे कैसे, उसके लिए काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि फार्मर तक जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी चाहे नई वेराइटी ही क्यों ना हो। स्टेट वाइज रैंकिंग ऑफ NFSA, अभी मैंने आपको बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके लिए स्टेट वाइज रैंकिंग की गई थी, जनरल कैटेगरी में उड़ीसा की पहली रैंक, दूसरी उत्तर प्रदेश की, तीसरी आंध्र प्रदेश की थी। एक नजर इसको भी देख लीजिएगा, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से डायरेक्ट तो क्वेश्चन इस टाइप का तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है, नाबार्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और क्योंकि आप सभी को पता है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा जोर है गवर्नमेंट का, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कि आपको कितना याद है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो 100% ऑर्गेनिक है, और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कमोडिटी किस कैटेगरी में है, कौन सी एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक कमोडिटी है जो प्रोड्यूस की जाती है, ये आप मेरे को बताइएगा। सीरियल पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोड्यूस करने के लिए आप देखेंगे दो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके थ्रू सब्सिडी मिलती है या फिर जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्रमोट करती है। एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरी है MOVCDNER, इतनी लंबी स्कीम हो गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका फुल फॉर्म याद करें, PKVY याद रहनी चाहिए, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 31,000 रुपए पर हेक्टेयर फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। मान लीजिए कोई फार्मर है आज, जो कहता है कि मैं अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, अब मैं कसम खाता हूं कि मैं कोई केमिकल अप्लाई नहीं करूंगा, तो जो सर्टिफाइंग एजेंसी कहती है ओके ठीक है, अब इस कसम को निभाना है, 3 साल कसम निभा के दिखाओ, उसके बाद से आपका जो प्रोड्यूस है उसको हम ऑर्गेनिक मानेंगे। बेसिकली जो रेसिडुअल इफेक्ट है केमिकल्स का वो हटना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। MOVCDNER में ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए है, 32,500 रुपए पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर दिया जाता है। जुलाई के मंथ में अपॉइंटमेंट हुई थी नई DGICR की, जैसे आप सभी को पता होगा अभी नए चेयरमैन नाबार्ड के बने हैं शाजी केवी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, नए जो चेयरमैन नाबार्ड के अभी बने हैं, न्यू DGICR डॉक्टर हिमांशु पाठक का अपॉइंटमेंट हुआ था ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि सेक्रेटरी डेयर भी होते हैं। सेक्रेटरी डेयर क्या चीज है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था।
11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च, तो ये लॉन्च किया गया 10th एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमें कैसे पता चलता है कि मार्जिनल फार्मर का क्या क्लासिफिकेशन है, स्मॉल क्या है, तो ये हमें सब कहां से पता चलता है? एग्रीकल्चर सेंसस से। मार्जिनल क्या चीज है? जिस फार्मर के पास लेस देन 1 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग है, जिस फार्मर के पास 1 से 2 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग है उसको स्मॉल कहते हैं। इसके आगे सेमी मीडियम, फिर मीडियम, फिर लार्ज फार्मर, ये कैटेगराइजेशन होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, मतलब कितनी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए कि जिसको हम मार्जिनल फार्मर कहेंगे। ओके, देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैंने आपको बताया क्योंकि 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सीजीटीएमएससी में मिलती है अप टू 2 करोड़ ऑफ लोन। देन डीडी किसान चैनल का इनॉग्रेशन, किसान चैनल का नहीं, उसके एक स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ कृषि भवन में, सो दैट की कृषि भवन से ही सारी जानकारी हमें मिले। और अगर आप डीडी किसान चैनल का देखेंगे तो ये 26 मई 2015 को शुरू किया गया था। देन हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट सेकेंड हमने अभी देखा। पीएमएफएमई को भी 2 साल पूरे हुए, पीएमएफएमई, एआईएफ एंड पीएमएमएसवाई, इन 3 महीनों में ये 3 स्कीम थी जो कि आगे बढ़ी हैं। बाकी इसके बारे में क्या है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, फूड एंटरप्राइज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो उसका क्या मतलब है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है कि जो हमारे छोटे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करें, बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो भी एमएसएमई में आ सकें। डबलिंग द फार्मर इनकम, आप सभी को पता होगा 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात कही गई थी। तो एनएसएस के सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो प्रेजेंटली मंथली इनकम है वो कितनी है। प्रेजेंटली मतलब ये 2018-19 का डेटा है और यही रीसेंट है अभी तक के लिए, और ये पार्लियामेंट में बताया था गवर्नमेंट ने 10,218 रुपए, और उससे पहले 2012-13 में कितनी होती थी, 6,426। तो हम नियरली उसके डबल के अकॉर्डिंग तो हो ही जाएंगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो, बट ये अभी हमको बहुत आगे जाना है क्योंकि ये इनकम बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, स्टेट्स में कुछ स्टेट्स के ब्रांड हैं, गवर्नमेंट ब्रांड, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डे एनआरएलएम ने सितंबर मंथ में राष्ट्रीय पोषण माह ऑर्गेनाइज किया था, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डे एनआरएलएम के अंदर था। वैसे ही जुलाई में 1-15 जुलाई उद्यमिता पखवाड़ा को ऑर्गेनाइज किया गया। उद्यमिता पखवाड़ा क्या होता है? उद्यम मतलब एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको उद्यमिता पखवाड़ा को किया गया था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इसमें काफी अच्छा रोल रहा था। जून में आते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। मैंने आपसे पूछा ही है कि 26 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां से थोड़ा सा और क्लियर और हिंट मिल जाएगी क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, देन ओशियंस डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जैसे कि हमारे लिए UNFCCC जो COP27 है, वैसे ही थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, बट COP27 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपकी GA के लिए 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये डे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब भी बात आती है तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात आती ही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत जब हम कहते हैं कि ना सबसे निचले या फिर जो लोग अभी तक बैंक से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उनको कनेक्ट करने की जब भी बात आती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से शुरुआत होती है खाते खुलने की, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात आती है जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम इस बार बढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 12 रुपए से 20 रुपए कर दिया गया। इसमें इंश्योरेंस दिया था 2 लाख रुपए का इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, और अगर किसी भी रीजन से डेथ होती है, यहाँ पे क्या है सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाता है, यहाँ पे किसी भी रीजन से डेथ होती है तो उसमें 2 लाख रुपीज का कवर मिलता है। और इसका प्रीमियम कितना है, 330 था पहले, अब इसको इंक्रीज करके 436 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसमें एनरोल करने की एज क्या है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप याद रखेंगे 18 से 70 ईयर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको भी आप याद रखेंगे 18 to 50 ईयर, और अगर कोई एनरोल्ड है ऑलरेडी तो उसको 55 ईयर तक में इंक्रीज किया जा सकता है। APY अटल पेंशन योजना होती है, बचपन से मतलब 18 साल के बाद आप पैसे जमा कीजिए,
60 साल में पेंशन लग जाएगी। और इसकी एनरोलमेंट की एज होती है 18 to 40 ईयर। तीनों की एज अलग अलग है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है एक ही होगी और हम कुछ भी पूछा जाता है एक ही एज कोई भी इसमें से चिपका आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एमएसपी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो वो आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जून के महीने में खरीफ की क्रॉप सोइंग हो रही थी, तो उस समय खरीफ का एमएसपी रिलीज हुआ था। और अभी आपको पता है अक्टूबर के मंथ में रबी सीजन के लिए रबी क्रॉप अनाउंस हुआ है, तो ये जस्ट है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बार जरूर एक नजर देख के जाइए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो पूछे जा सकते हैं। या फिर सिंपल ये हो सकता है कि जैसे UNFCCC है ना, तो उससे रिलेटेड कौन सा है, क्लाइमेट एक्शन है, SDG 13 है, इसके अलावा जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी, गुड वेलबींग है, लाइफ बिलो वाटर ऑन लैंड, ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। जून से लेके अगस्त तक के हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी इंडिविजुअल मंथ की करंट एग्रीकल्चर की वीडियोस आती हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। कंसेप्चुअल सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी, कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, उनको जस्ट गो थ्रू करिए 2x में आप उनको सुन सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। बाकी हमारा कोर्स भी इसके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी, जिनको हम 24 आवर में एवेलुएट करके देंगे, और बाकी सारी चीजें भी वहाँ पे आप डेमो इसका देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपकी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस सारी चीजों पे भी सेशन लेके आया जा सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।